हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतन। और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस किसे पसंद नहीं? बॉलीवुड में हर कोई एक से बढ़कर एक है। हर कोई चाहता है कि या तो कोई एक्टर या तो कोई एक्ट्रेस उनकी जिंदगी में एक बार उन्हें जरूर मिल जाए। इतना दीवाना, इतनी फैन फॉलोइंग्स, इतना सब कुछ है। लेकिन इसी बीच में आपको कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रही हूँ जो हुई है उप्स मूवमेंट का शिकार। अपनी ड्रेस मालफंक्शन की वजह से इन्हें उप्स मूवमेंट का शिकार होना पड़ा। उसके वजह से वो ट्रोल भी हुई थी, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे फैंस उनकी बहुत सारी तारीफ भी करते हैं। तो शुरू करते हैं आलिया भट्ट से। आलिया भट्ट, अब एक टाइम ऐसा आया कि हम्पी शर्मा की दुल्हनिया के प्रमोशन के टाइम पे वरुण धवन ने आलिया भट्ट को उठाया। आलिया भट्ट की ड्रेस इतनी ट्रांसपेरेंट थी कि उनके सब कुछ आर पार नजर आ रहा था, और इस दौरान आलिया भट्ट उप्स मूवमेंट का शिकार हो गई। सोनम कपूर, इस लिस्ट में सोनम कपूर का नाम भी है। आपको बता दें, सोनम कपूर बहुत ही स्टाइलिश मानी जाती है और उनका फैशन सेंस बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब छाया रहता है। लेकिन एक अवार्ड शो के दौरान एक्ट्रेस सोनम कपूर निप स्लिप का शिकार हो गई। एक अवार्ड शो में सोनम ने काले रंग की फैशनेबल ड्रेस पहनी थी, लेकिन वो फिर भी निप स्लिप का शिकार हो गई। गौहर खान की अगर बात करें तो गौहर खान को कौन पसंद नहीं करता। गौहर खान एक बार रैंप वॉक के चलने के दौरान उनकी स्कर्ट पीछे से फट गई और इस कारण उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा और वो भी हो गई उप्स मूवमेंट का शिकार। करीना कपूर खान, अब करीना कपूर हम सबको पता है हमारी बेबो है, वो फैशन के लिए बहुत जानी जाती है। लेकिन एक फंक्शन के दौरान उनके ब्लाउज ने उन्हें धोखा दे दिया। आपको बता दें कि करीना कपूर इतनी शर्मिंदा हुई कि उन्हें सेफ्टी पिन का सहारा लेना पड़ा। सुष्मिता सेन की बात करें तो एक बार एक्ट्रेस पत्रकारों से बात कर रही थी और इस दौरान उनकी बेहद छोटी ड्रेस ने उन्हें शिकार बना लिया। कुर्सी में बैठते ही उनका इनर वेयर नजर आने लगा और वो हो गई उप्स मूवमेंट का शिकार। रकुलप्रीत सिंह, अब फिल्म अय्यारी के प्रचार के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रकुलप्रीत सिंह को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने रकुलप्रीत सिंह को उठाया तो रकुल के पीछे का हिस्सा दिखने लग गया और इस दौरान रकुलप्रीत भी शिकार हो गई। दीपिका पादुकोण, अब दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है और एक फंक्शन के दौरान उनका एक ड्रेस मालफंक्शन की वजह से उप्स मूवमेंट का उन्हें शिकार होना पड़ा। दिशा पाटनी, आप बात करें दिशा पाटनी जो कि मतलब फिटेस है, मतलब हर कोई उन्हें एडमायर करता है, उनसे इंस्पायर होता है क्योंकि वो आखिरकार एक्सरसाइज इतने अच्छे से करती है। दिशा पाटनी एक अवार्ड शो में हाई स्लिट ब्लैक गाउन में अपने कर्व्स को दिखाती हुई नजर आई, लेकिन उनके पास बैठा एक शख्स उन्हें देखने लगा और फोटोग्राफर ने उनकी फोटो क्लिक कर दी और उस दौरान वो भी शिकार हो गई उप्स मूवमेंट का। श्रुति हसन, अब बॉलीवुड में श्रुति हसन 2017 में कांस में शिरकत करने के दौरान उप्स मूवमेंट का शिकार हुई थी। उस समय उनकी ड्रेस पीछे से ऊपर हो गई थी जब वो वॉक करती हुई नजर आ रही थी और इस वजह से उन्हें शिकार होना पड़ा उप्स मूवमेंट का। मलिका शरावत, अब मलिका शरावत किसकी फेवरेट नहीं है, हर कोई उन्हें जानता है और कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देती हैं कि वो सुर्खियों में आ जाती हैं। बोल्ड एक्ट्रेस मलिका शरावत एक इवेंट के दौरान इस घटना का शिकार हो गई। एक बार एक इवेंट में ड्रेस मॉल फंक्शन की वजह से वो शिकार हो गई उप्स मूवमेंट का। तो देखा आप लोगों ने, ये थी वो टॉप 10 एक्ट्रेसेस जो हुई है ड्रेस मॉल फंक्शन का शिकार और उप्स मूवमेंट का शिकार। अब ऐसी अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है या जानना है कि और कौन कौन शिकार हो चुकी है उप्स मूवमेंट का, तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कर बताएं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।